हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, वेव थ्योरी का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले टॉपिक की। देखो बच्चों, अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर हमने इक्वेशन से रिलेटेड बातचीत की, कोई भी वेव की इक्वेशन क्या होगी और कैसे न्यूमेरिकल हमारे वहाँ पर फ्रेम होते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे इक्वेशन ऑफ वेव से निकल सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया। अब बातचीत करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है वेव इन अ स्ट्रिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव इन अ स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ये वेव कैसी होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम होंगे। देखो भाई, एकदम सिंपल सी कहानी है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी स्ट्रिंग में जैसे ही मैं जर्क देता हूँ तो वेव फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो वेव होती है, दैट इज अ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ये क्या होगी, अपनी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होगी। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, लेट्स से कोई भी वेव स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है। इस डायग्राम को मैं ऐसे बना लेता हूँ कि हमें दिया हुआ है, ये कोई भी एक सपोर्ट है जिस पर मैंने यहाँ पर पुली लगाई हुई है, और इस स्ट्रिंग से मैंने एक मास को हैंग किया हुआ है, करेक्ट। इस स्ट्रिंग से मैंने क्या किया हुआ है, एम मास को हैंग किया हुआ है। स्ट्रिंग एकदम टॉट है, ठीक है, और एक एंड पर फिक्स है, एक यहाँ पर है, तो ये पूरा सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम में भी है। जैसे ही मैं स्ट्रिंग में कोई भी जर्क देता हूँ, जैसे ही मैं स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता हूँ, तो इसमें वाइब्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशन का ट्रैवल होगा वो ट्रांसवर्स नेचर में होगा। ये मूवमेंट कैसा होगा हमारा, ट्रांसवर्स नेचर में मूवमेंट होगा। ओवरऑल ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव हमारी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये जो वेव है ये कुछ इस तरीके से हमारी चलने वाली। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर मैं बेटा यहाँ पर इस बात को फर्दर और समझने का ट्राई करूँ कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, तो देखिए बच्चों, एक तो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग पर। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है इस बात पर ये डिपेंड करती है, दैट मीन द वेलोसिटी दैट डिपेंड्स ऑन द टेंशन, करेक्ट। एंड सेकंड, ये डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। लेट से मैं बोल देता हूँ, लेट मास ऑफ स्ट्रिंग That is equal to है capital M, and length of string that is equal to है L. So यहां से हम define करते हैं बच्चों mass per unit length, mass per unit length, जिसको हम लिखते हैं M upon L, that is equal to denoted by mu. तो एक तो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, सेकंड ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करेगा इसके बेटा मास पर यूनिट लेंथ पर, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करते हो डायमेंशनली, तो ये जो वेलोसिटी है ये निकल के आता है हमारा रूट ऑफ टी अपॉन वी। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव ये होता है हमारा रूट के टी अपॉन वी। Here T is a tension in the string and mu is a mass per unit length. T तो क्या होगा, string में tension होगा, और जो mu होगा ये होगा बच्चों हमारा mass per unit length, that means M upon L. आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? तो इस पर हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम समझेंगे। स्ट्रिंग में वेव का टाइप होगा ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, और ये जो ट्रैवल करेगी ये कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, रूट टी अपॉन म्यू से। अगर मैं टेंशन को चेंज करूँगा तो वेलोसिटी में भी डेफिनेटली चेंज होगा।
चलिए इसको नोट डाउन करिए, इस कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा और डिटेल में बातचीत करते हैं और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। जो इसका डेरिवेशन है वो हम डायमेंशनली प्रूव करते हैं, जो इसका इंटीग्रेशन वे में डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इवन जेई एडवांस के भी सिलेबस में वो नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखो यार इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में दे देते हैं। जैसे लेट्स से मुझे बोला हुआ है ये स्ट्रिंग है, इसका अगर मैं थोड़ा सा बड़ा वर्जन ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू है एल, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू है आर, मास ऑफ स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू है एम, करेक्ट। सो यहां से हम लिखते हैं बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, विच इज डिनोटेड बाई म्यू, डेट इज इक्वल टू होता है अपना एम अपॉन एल। मास पर यूनिट लेंथ डेट इज इक्वल टू क्या होता है अपना एम अपॉन एल। ठीक, अगर मैं मास को फर्दर यहां पर लिखना चाहूं तो मास को हम लिखते हैं बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। सो यहां से हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल टू होगा रो इनटू पाई आर स्क्वायर। मास पर यूनिट लेंथ म्यू डेट इज इक्वल टू अपना क्या होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देखिए फॉर्मूला हमारा, अगर मैं इसको अपग्रेड करके लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव ये थी हमारी रूट के टी अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू होगा टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर, टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ओवरऑल यहाँ से रिलेशन बन के आया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वेलोसिटी ऑफ वेव डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जिसको अगर ग्राफिकली लिखा जाए, वी और आर का ग्राफ बनाया जाए, तो यहाँ पर एक हाइपरबोलिक रिलेशन हमारा बनेगा। यहाँ पर कैसा रिलेशन हमारा आने वाला है, हाइपरबोलिक रिलेशन हमारा यहाँ पर बने, करेक्ट। आई बात समझ में, चलिए इसको आप नोट डाउन करो, इस पूरे पॉइंट को लिख लो, फिर हम बेटा इसको आगे और समझने का ट्राई करते हैं। कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो वी और आर का जो रिलेशन है वो हाइपरबोलिक बनता है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया है, इसलिए इस रिलेशन को थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। इस पर भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन जाते हैं एक छोटे से फार्मूला पर, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर बनेंगे उन बात को भी हम समझने का ट्राई करते हैं। चलें आगे, देखो बच्चों न्यूमेरिकल्स को समझने का ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10 kg ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई भी स्ट्रिंग है। आपको बोला है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0.5 kg पर मीटर, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ वेव बाय सॉल्विंग नॉर्मल NLM मेथड, ठीक है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ वेव यहां पर क्या होगी, पुली यहां पर मासलेस है, बाकी और मास हमें कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, समझ लो पहले। मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें दी जाए तो वेलोसिटी होता है बच्चों यहाँ पर रूट टी अपॉन म्यू। बस मैं टेंशन निकाल लूँ, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकाल लूँ, इस फॉर्मूला में जैसे ही मैं पुट करूँगा तो वेलोसिटी की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी। वेलोसिटी को हम अच्छा खासा यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर ये बात। तो देखिए अगर मैं बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, लेट से स्ट्रिंग में टेंशन है अपना, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आपका टी है,
आपने पढ़ रखा है इस पर एम जी फोर्स लगेगा नीचे 100 न्यूटन, इस पर लगेगा 50 न्यूटन, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर हमारी बनेगी 100 - t डेट इज इक्वल टू 10a, और यहाँ पर बनेगी t - 50 डेट इज इक्वल टू 5a। ओवरऑल 50 डेट इज इक्वल टू आएगा 15a, सो a इक्वल टू हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। जैसे मुझे a मिल जाता है, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो t इक्वल टू हो जाएगा 50 + 5 × 10/3, सो t इक्वल टू 150 + 50 200/3 मीटर। टेंशन कितना आ जाएगा अपना 200/3 न्यूटन, करेक्ट। बस इस वैल्यू को यहाँ पर आपको डालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट के 200/3। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये हमें गिवन है 0.5 को लिखोगे आप 1/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 400, जिसका अंडर रूट आएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बातचीत की जाए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी निकल के आएगी अपनी 20/√3 मीटर पर सेकेंड, जो कि एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे भी हम प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में? चलिए इसको आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करेंगे और न्यूमेरिकल हम कैसे बना सकते हैं सेम फार्मूला पर, और कैसा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर बन सकता है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझ लेना है, हर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जिन पर मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो सीधा सा मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस तो और भी ज़्यादा है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, करेक्ट। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है अ वेव इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रिंग व्हेन इलोंगेशन इन स्ट्रिंग इज एक्स velocity of wave is v। जब स्ट्रिंग में elongation x है तो velocity of wave है v। when elongation in string is 1.5x, when elongation इसमें 1.5x है, then determine velocity of wave। तो आपको बताना है बेटा यहाँ पर velocity of wave क्या होगा, ये आपको determine करना है, ठीक है। जब स्ट्रिंग में इलोंगेशन x है तो वेलोसिटी ऑफ वेव v है, जब इलोंगेशन स्ट्रिंग में 1.5x हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, इस बात के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है इस चीज़ को किस तरीके से निकाला जाए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, जो अटैम्प करना चाह रहे हैं वो तो वही सेम, वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाकी के लोग मेरे साथ समझ लो बेटा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको बोला है ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, जब यहां पर बेटा एक्सटेंशन एक्स था स्ट्रिंग में तो वेलोसिटी ऑफ वेव मुझे वी मिली, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें एक्सटेंशन 1.5x कर दिया तो जो वेलोसिटी है वो v डैश हो गई।
एक्स थी तो वेलोसिटी वी थी, जैसे ही मैंने इलांगेशन इसमें 1.5x कर दिया तो जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है वो वी डैश हो गई। मुझे बताना है वैल्यू ऑफ वी डैश अपनी क्या होगी, वी डैश को किस तरीके से निकाला जाए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों सोचा जाए कि इलांगेशन कैसे आया होगा, तो अपने आप तो नहीं आया होगा। इलांगेशन आने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स तो हमने अप्लाई डेफिनेटली किया होगा। जब भी मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया होगा तभी यहाँ पर इलांगेशन आया होगा। इधर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है तो ज़्यादा इलांगेशन है, इधर फोर्स कम अप्लाई किया है तो कम इलांगेशन है, करेक्ट। तो देखिए अगर मैं बच्चों लिखता हूँ वेलोसिटी, ये होता है अपना रूट ऑफ टी अपॉन मी। आपने पढ़ रखा है स्प्रिंग में भी पढ़ा है, रीस्टोरिंग फोर्स डेट इज प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा स्प्रिंग में उतना ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा। सेम वे में जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा स्ट्रिंग में भी उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इलांगेशन होगा। तो सेम वे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू इलांगेशन। जो इसके अंदर टेंशन आया है वो इलांगेशन के प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये होगा अपना v अपॉन वी डैश डेट इज इक्वल टू होगा रूट के एक्स अपॉन एक्स डैश। v अपॉन वी डैश होगा रूट के एक्स अपॉन एक्स डैश। हेयर ये तो हो गया रूट के एक्स और एक्स डैश हो गया अपना 1.5x। एक्स डैश कितना है 1.5x, एक्स से तो एक्स कट गया, सो v डैश आएगा अपना रूट के 1.5 इंटू, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.22। डेट मीन स्ट्रिंग वेलोसिटी जो है वो 1.22 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी होगी। इस तरीके का भी न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये तो हमारा पहले लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ था तो वो न्यूमेरिकल मुझे याद था, तो इस तरीके से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है इसी सेम कॉन्सेप्ट पर। कैसे भी पूछ ले हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आसानी से इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा सोचने वाली या घबराने वाली ऐसी बातचीत नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे की बातचीत करें, आगे चलें। देखो बच्चों नोट डाउन कर लो जिनको नोट डाउन करना है। बस यहाँ पर यह था कि टेंशन ना देके इलांगेशन की टर्म्स में मैंने दे दिया। एक और टाइप का मैं न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बता देता हूँ, एक और टाइप का मेरा अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ पे बन जाता है। क्या न्यूमेरिकल बनेगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है आपको बेटा, ये कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको ये बेटा कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। इसका मास तो m है और लेंथ l है, करेक्ट। स्ट्रिंग का मास है, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। आपको बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ l बाई फोर, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l बाई फोर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी। डिटरमाइन velocity of wave at positions L by 4 and 3L by 4 respectively। आपको बताना है बेटा position of wave L by 4 और 3L by 4 पर क्या होगी। दोनों बातों को हमें यहाँ पर निकालना है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। एल बाई फोर और थ्री एल बाई फोर पर वेलोसिटी ऑफ वेव अपनी क्या होगी। देखो यार एकदम सीधी सी बात है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है तो आपको इस पोजीशन और इस पोजीशन पे वेलोसिटी बतानी है।
पहले मैं आपको चांस देता हूँ, आप आराम से सोचो और सॉल्व करने का ट्राई करो, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी लोग मेरे साथ समझ लो कि हम किसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो यार, आपने तो पढ़ रखा है वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू होता है रूट के टी अपॉन म्यू। सर मुझे टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ बता दो तो मैं बता दूंगा वेलोसिटी क्या होगी। सही बात है, बस मुझे टेंशन पता लग जाए, म्यू पता लग जाए तो वेलोसिटी तो हम बता देंगे, वेलोसिटी का अमाउंट क्या होगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बेटा बातचीत करूँ कि ये जो एल वाई फोर डिस्टेंस है, अगर मुझे एल वाई फोर डिस्टेंस पर लिखना है कि एल वाई फोर डिस्टेंस पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगला मुझे लिखना है 3L by 4 डिस्टेंस पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। L by 4 पर टेंशन निकाल लेते हैं, इसको ऐसे A पोजीशन बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ। तो देखिए स्ट्रिंग का जो मास है वो कंप्लीट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। अगर मैं इस पोजीशन पे टेंशन की बातचीत करूँगा वो तो ओनली इतने से मास के कारण ही होगा, करेक्ट। जैसे मान लो अगर मैं x डिस्टेंस पे टेंशन लिखना चाह रहा हूँ तो x डिस्टेंस पे टेंशन तो इतने मास के कारण होगा। आई बात समझ में? तो मैं अगर बोलता हूँ बेटा टेंशन एट डिस्टेंस x, अगर मुझे लिखना है यहाँ पर x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा तो कैसे लिखोगे बेटा यहाँ पर आप, t डेट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है। अगर मैं इस वाली लेंथ का मास लिखूं तो इसका मास क्या होगा, कंप्लीट लेंथ का l है, यूनिट का हो जाएगा m अपॉन l। अगर x लेंथ का लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाई x, कंप्लीट का m है, x लेंथ का मास लिखना है तो m अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई x। और अगर टेंशन लिखूंगा तो इस मास के कारण होगा, तो ये मास मल्टीप्लाइड बाई g। सिंपल, इस पोजीशन पे अगर टेंशन लिखना चाह रहे हो तो इसका मास इनटू जी, तो यहाँ से आएगा हमारा टेंशन डेट इज इक्वल टू एम एक्स जी अपॉन एल, मिल गया। और एम अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स जी, ये अपना क्या हो जाएगा म्यू एक्स जी। बस इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ से आएगा वेलोसिटी इक्वल टू म्यू जी एक्स अपॉन के वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के जी एक्स, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट के जी एक्स। जी तो है ग्रेविटी, एक्स है बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, जिसको एक्स है इसकी लेंथ जहाँ पर हम टेंशन निकाल रहे थे, जहाँ से हम वेलोसिटी को बता सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग में ये वेरिएबल होगी, हर पोजिशन पर अलग होगी, स्ट्रिंग का हर पोजीशन पे टेंशन अलग है, इसलिए हर पोजीशन पर अगर वेलोसिटी को निकाला जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी अपनी अलग अलग आएगी, ये सेम नहीं होगी, करेक्ट। और कितनी होगी, वी डेट इज इक्वल टू होगा रूट के जी एक्स, वी डेट इज इक्वल टू क्या होगा रूट के जी एक्स, करेक्ट। अब देखिए जैसे पहला मैंने पूछा है आपसे एक्ट एक्स इक्वल टू एल वाई फोर पर वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू हो जाएगी रूट के जी एल वाई फोर। सेम वे में अगला मैंने आपसे पूछा है एट एक्स इक्वल टू थ्री एल वाई फोर पर वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू हो जाएगी रूट के थ्री जी एल वाई फोर, ठीक है। आई बात सच में? तो किसी भी पोजीशन पे आपसे वेलोसिटी पूछ ले, आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ होगी रूट जी एल बाई फोर, यहाँ होगी रूट के थ्री जी एल बाई फोर। आई बात समझ में? अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहो तो और अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि पहले से ही बहुत अच्छा है। और अच्छा अगर आपको करना है, ए से बी तक जाने का टाइम क्या होगा, टाइम भी पूछ सकता है आपसे, उसको कैसे लिखोगे। जैसे वेलोसिटी ये आया हमारा रूट के जी एक्स, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स ओवर डी टी डेट इज इक्वल टू होगा रूट के जी एक्स, सो डी एक्स अपॉन रूट एक्स डेट इज इक्वल टू होगा रूट के जी इंटू डी टी,
दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड क्या कर लो इंटीग्रेट, x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, तो ये बनेगा x की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, ये हो जाएगा रूट के जी इन टू टी। ठीक है, अगर आपको लिमिट बोले कि a से b जाना है तो यहाँ पर a टू b आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइम को निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये 2xb की पावर 1 बाई टू, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिसको मैं ऐसे लिख दूँ रूट ऑफ xb माइनस रूट ऑफ x से, डेट इज इक्वल टू रूट ऑफ g इंटू टी। मतलब ये मैकेनिक्स मैंने लगा दी, काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। v इक्वल टू रूट जी एक्स है, अगर आपसे टाइम इन्फॉर्मेशन वगैरह भी पूछ ले तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। इसमें भी कहीं कुछ बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है, बस एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर है तो टाइम भी हमारा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर जो सोचने वाली बात थी वो ये थी, वेलोसिटी इक्वल टू रूट जी एक्स, इस पर भी हमारा न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छोटा सा फार्मूला है लेकिन अच्छा खासा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर बन जाता है। वेव थ्योरी से यार बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं, अब तुम देख लो हर पेपर में दो तीन आ रहे हैं, तो लास्ट 10 साल में भी 20 से 30 न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाते हैं, और 20 से 30 मतलब कि हर कॉन्सेप्ट को उन्होंने कवर कर लिया अच्छा खासा। क्लियर, चलिए तो इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग वेव में वेलोसिटी क्या होगी, कैसे न्यूमेरिकल हमारे इस पर फ्रेम होंगे, एक एक पॉइंट पर हमारा डिटेल डिस्कशन। स्टिल अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी अगर इसमें रह जाती है तो आप पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, विल ट्राई टू सॉर्ट आउट विद इन अ 24 आवर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।